Today we will discuss on the topic Snehakalpana. So let's start. Snehakalpana. First topic Snehayoni. स्नेह की दो योनियाँ होती है, स्थावर एंड जंगम। स्थावर स्नेह योनि तिल, रक्तरंड, एरंड, सरसप, वासा, नीम के बीज, अलसी, अखरोट, सहजन, हरितकी तथा बिल्व आदि द्रव्यों को स्थावर स्नेह की योनि में माना गया है। शरीर में बल व स्नेहन के लिए समस्त स्थावर तेलों में तिल तेल और विरेचन के लिए एरंड तेल को श्रेष्ठ माना गया है। जंगम स्नेह योनि मछली, मृग, गाय, भैंस, बकरी आदि तथा पक्षी सभी को जंगम स्नेहों की योनि में माना गया है। इनके दूध, घृत, दधि, मांस, वसा व मज्जा का प्रयोग किया जाता है। प्राणिज स्नेहों में घृत मज्जा का विशेष प्रयोग होता है। स्नेह के प्रकार घृत, तेल, वसा और मज्जा, ये चार प्रकार के स्नेह समस्त स्नेहों में श्रेष्ठ माने गए हैं। इन चारों में घृत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि घृत संस्कारों से दूसरों के गुणों को अपने में आत्मसात कर लेता है तथा स्वयं के गुणों का भी त्याग नहीं करता है। इस प्रकार स्थावर स्नेहों में तिल तेल और जंगम स्नेहों में घृत, वसा और मज्जा को मुख्य माना है। स्नेह मूर्छन की विधि। स्नेह मूर्छन का विधान बृहत्त्रय एवं लघुत्रय आदि प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन पश्चात के भैसज रत्नावली आदि ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार घृत तेलादि स्नेहों की उग्रता, दुर्गंध व आम दोष को दूर करके उनमें सुगंध व उत्तम वर्ण की उत्पत्ति हेतु सर्वप्रथम कुछ विशिष्ट द्रव्यों के साथ उसका पाक किया जाता है। इसे स्नेह मूर्छन कहते हैं। स्नेह मूर्छन करने से स्नेह में योगोक्त औषधियों के गुण ग्रहण की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। धन स्नेह पाक विधि। सामान्यतः औषध से स्नेह चार गुना तथा स्नेह से जल चार गुना लेकर स्नेह पाक करने का सामान्य नियम है। आचार्य भागभटानुसार इसके विपरीत क्वाथ से स्नेह पाक करना हो तो क्वाथ से स्नेह छः गुना, स्वरस से स्नेह पाक करना हो तो स्वरस से स्नेह आठ गुना और जल से स्नेह पाक करना हो तो जल से स्नेह चार गुना लेकर स्नेह पाक किया जाता है। इसी प्रकार जल के साथ स्नेह पाक में कल्क चतुर्थांश, क्वाथ के साथ कल्क षष्ठांश व स्वरस के साथ कल्क अष्टमांश लेकर स्नेह पाक किया जाने का निर्देश किया गया है। स्नेह पाक का प्रमाण। कल्क से स्नेह पाक में प्रमाण का उचित निर्देश नहीं होने पर स्नेह एक कुड़व अर्थात 192 ग्राम तथा कल्क एक पल अर्थात 48 ग्राम लेकर स्नेह पाक करना चाहिए। स्नेह पाक काल घृत, तेल, गुड़, अवले आदि कल्पनाओं को एक ही दिन में सिद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कल्पनाएं बासी होने के साथ विशेष गुणों का संचय करती है। सो क्वाथ कांजी तक्र स्नेह पाक काल 5 days, स्वरस स्नेह पाक काल 3 days, दुग्ध स्नेह पाक काल 2 days एंड मांसरस स्नेह पाक काल 1 day। स्नेह पाक के भेद। आचार्यों ने मुख्य रूप से स्नेह पाक के 3 भेद बताए हैं, जैसे मृदु स्नेह पाक, मध्य स्नेह पाक और खर स्नेह पाक। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, पान मृदु स्नेह पाक में पान होता है, मध्य स्नेह पाक में नश्य और अभ्यंग, खर स्नेह पाक में बस्ती और कर्णपूरण। अकॉर्डिंग टू आचार्य षाड़ंगद्र एंड चरक, मृदु स्नेह पाक में नश्य, मध्य स्नेह पाक में पान और बस्ती, खर स्नेह पाक में अभ्यंग। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, मृदु स्नेह पाक नश्य, मध्य स्नेह पाक सर्वकर्म और खर स्नेह पाक अभ्यंग। देन मृदु स्नेह पाक या मृदुपाक, मृदु ईषत सरस कल्के। मृदु स्नेह पाक में स्नेह में से जल समाप्त हो जाता है किंतु कल्क में जल रहता है, अतः स्नेह को अग्नि में ले जाने पर चटचट की आवाज़ नहीं आती, परंतु कल्क को अग्नि में ले जाने पर चटचट की आवाज़ होती है, अतः कल्क में जल होने पर कल्क की वर्ती नहीं बनती। मध्य स्नेह पाक कल्के नीरस कोमलई। मध्य स्नेह पाक में कल्क में से भी जल समाप्त हो जाता है, इसलिए कल्क के अग्नि में ले जाने पर भी उसमें चटचट की आवाज़ नहीं आती है, कल्क की वर्ती बन जाती है। खर स्नेह पाक जब औषध के ईषत कठिन कल्के, अर्थात जब औषध के कल्क की वर्ती बनाने पर टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे और कल्क द्रव्य कुछ कठिन अर्थात खर हो जाए तो उसे खर स्नेह पाक कहते हैं। इनके अतिरिक्त यदि खरपाक के पश्चात पाक किया जाए तो उसे दग्ध पाक माना गया है जो कि दाहकारक और निष्प्रयोजन होता है। स्नेह का समय पाक न होने से पहले बंद कर दिए जाए तो वह उसे कच्चा पाक होने के कारण आम पाक कहते हैं, जो हीन वीर्य गुरु व अग्निमान देकर होता है। स्नेह सिद्ध के लक्षण।
स्नेह सिद्धि के चार लक्षण हैं। स्नेह का कल्क हाथ की उंगली द्वारा मसलने पर वर्ती बन जाती है तो वह स्नेह सिद्ध माना जाता है। कल्क मिश्रित स्नेह को अग्नि में डालने पर चटचट शब्द का नहीं होना, तेल पाक के समय पात्र में फेनोद्गम न होना या घृत पाक के समय पात्र में फेन आकर शांत हो जाना, उचित गंध वर्ण एवं रस की उत्पत्ति हो जाना। इस प्रकार उपरोक्त लक्षणों से घृत या तेल आदि स्नेहों का उचित प्रकार से पाक हो गया है इसका ज्ञान हो जाता है। स्नेह सेवन सिद्ध स्नेह सेवन मात्रा। आचार्य षडंगदर ने सिद्ध स्नेह सेवन यानी घृत और तेल की सामान्य सेवन मात्रा एक पल अर्थात 48 ग्राम मानी है। पात्र पाक। जिस रोग में सिद्ध स्नेह का उपयोग करना है उस रोग के नाश करने वाले यथागुण पात्र में पाक करना पात्र पाक कहलाता है। शास्त्रों में योगानुसार व रोगानुसार भिन्न भिन्न पात्रों को स्नेह में स्नेह पाक करने का निर्देश किया गया है। एग्जाम्पल षडंगदर संहिता में काशी शादी घृत का निर्माण ताम्रपात्र में करने का निर्देश है। केरल में स्नेह पाक विशेष रूप से ताम्रपत्र में ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टील पात्र लोह पात्र एवं वंगलिप्त ताम्रपात्र का प्रयोग स्नेह पाक में किया जाता है। इन प्रेजेंट एरा We use steel, stainless steel. Okay? Then अणु तेल घटक द्रव्य। देन स्नेह द्रव्य तिल तेल 2.700 लीटर। द्रव द्रव्य अजादुग्ध 2.700 लीटर। क्वाथ द्रव्य ये क्रमशः 100 ग्राम की मात्रा में लिए जाते हैं। क्वाथार्थ जल 270 लीटर एंड अवशिष्ट क्वाथ 27 लीटर लिया जाता है। इसे याद करने की ट्रिक है क्वाथ द्रव्य 27 होते हैं। इसे याद करने की ट्रिक है सुरेश और कुआसा के दादा शाल मनी जी अब सुख के नगर प्रदेश में बड़े तेज कपटी विप्र है। विप्र का अर्थ यहाँ ब्राह्मण से है। सु से सुगंध बला, रे से रेणुका, स से श्वेत चंदन, कु से कुंदरू, वा से वायविडंग, सा से साखी, दा से दालचीनी, दा से रिरुहरिद्रा, शाल से सालपणी, म से मधुयष्टि, नी से नीलकमल, जी से जीवंती, अ से अग्रु, ब से बला, सु से सुष्मेला, ख से खस, के से केवटी मोथा, नागर से नागर मोथा, प्र से प्रश्निपर्णी, दे से देवदारु, स से सतावरी, बड़े से बृहति, तेज से तेजपत्र, क से कंटकारी, पटी से पाय केशर, वी से बिल्व और प्र से प्रपौंड्रिक। सो अणुतेल निर्माण विधि। सर्वप्रथम क्वाथ द्रव्यों को यवकुट चूर्ण करके किसी बड़े पात्र में 270 लीटर वर्षा जल में पकाकर दशमांश शेष 27 लीटर क्वाथ का निर्माण करते हैं। फिर क्वाथ को जल छान कर अलग पात्र में रख लेते हैं। अब एक बार स्टील पात्र में तिल तेल को डालकर उसमें प्रत्येक बार 2.700 लीटर क्वाथ डालकर 9 टाइम्स तेल को पकाया जाता है और अंत में 2.700 लीटर क्वाथ डालकर क्वाथ 2.7 लीटर अजादुग्ध और टू को 9 टाइम्स सिद्ध तेल में डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार बनाया हुआ तेल अणुतेल नश्य में प्रयोग किया जाता है। नश्य मात्रा सप्ताह में 3 बार हाफ पल अर्थात 24 ग्राम। मुख्य उपयोग इसका सिरशूल जीर्ण प्रतिशाय में उपयोगी होता है, त्रिदोषग्न होता है व सभी इंद्रियों के लिए बल्य होता है। देन त्रिफला घृत घटक द्रव्य। देन स्नेह द्रव्य मूर्छित गोघृत 768 ml। द्रव द्रव्य त्रिफला क्वाथ, वासस्वरस, भृंगराज स्वरस, बकरी का दूध, इन सभी को 768 ml की क्वांटिटी में लिया जाता है। इसे याद करने की ट्रिक है त्रिभंगी वासी बकरी अर्थात त्रि से त्रिफला, भंगी से भृंगराज, वास से वासी से वासस्वरस और बकरी से बकरी का दूध। कल्क द्रव्य कल्क द्रव्य हरितकी, विभितकी, आम्लकी, पिपली, द्राक्षा, स्वेचंदन, सैंधलवन, बला, काकोली, शीर काकोली, मैदा, मरीच, सुंठी, शर्करा, पुंडरिक, कमल, पूर्णनवा, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, मधुष्टि, इन सभी को 12 ग्राम की क्वांटिटी में हम लेते हैं। पर ड्रग 1200 ग्राम।
12 ग्राम की क्वांटिटी में लिया जाता है, ठीक है। ट्रिक है इसे याद करने की, हम काक्षी बला कल पुनः पौंड्रिक में मरीज के दादा SSSP त्रिफला से मिलेंगे। ह से हरित्रा, म से मधुयस्थी, का से काकोली, छी से चीर काकोली, बला से बला, क से कमल, ल से लवण, पुनः से पुनर्नवा, पौंड्रिक से पौंड्रिक, मैदा मे से मैदा, मरीच से मरीच, दा से दारुहद्रा, दा से द्राक्षा, एस से सुंठी, एस से सरकरा, एस से स्वेचंदन, पी से पिपली, त्रिफला से हरित की विभत की एन आम्ल की। निर्माण विधि, स्टील पात्र में गोघृत को लेकर उसे गर्म करते हैं, उसके पश्चात उसमें धीरे धीरे करके कल्क द्रव्य को डाला जाता है, उसके पश्चात उसमें त्रिफला क्वाथ, बकरी का दूध और भृंगराज स्वरस तथा वासस स्वरस को डाला जाता है और उसे अच्छी तरह से पाक किया जाता है तो त्रिफला घृत का निर्माण हो जाता है। मात्रा, पानार्थ मात्रा 48 ग्राम, नशार्थ मात्रा 4 to 6 ड्रॉप्स। अनुपान, मिश्रीयुक्त दुग्ध। मुख्य उपयोग, नेत्रकंडू, तिमिर दर्शन, नेत्र स्त्राव, रात्रि अंधता एवं अन्य सुधारू नेत्र रोग नाशक। ब्राह्मी घृत, घटक द्रव्य स्नेह द्रव्य गोघृत 768 ml, द्रव द्रव्य ब्राह्मी स्वरस 3.072 लीटर। कल्क द्रव्य, ब्राह्मी वचा कुष्ठ शंखपुति, प्रत्येक को 60 ग्राम की क्वांटिटी में लेते हैं। देन ट्रिक है इसे याद करने की, संख कुष्ठ से बचना है तो ब्राह्मी खा, संख से संख पुष्पी, कुष्ठ से कुष्ठ, बचना से वचा, ब्राह्मी से ब्राह्मी। निर्माण विधि, स्टील पात्र में गोघृत को अग्नि पर पकाते हैं, उसके पश्चात उसमें धीरे धीरे करके कल्क द्रव्य को डाला जाता है, उसके बाद ब्राह्मी स्वरस को मिलाकर स्नेह का पाक किया जाता है और इस तरह से ब्राह्मी स्वरस का निर्माण, ब्राह्मी घृत का निर्माण होता है, ठीक है। मात्रा, पानार्थ मात्रा 48 ग्राम 1 पल। अनुपान मत इसका, मिश्रीयुक्त गोधुक्त। मुख्य उपयोग, स्मृतिवर्धक, अपस्मार, उन्माद आदि कंडीशन में ब्राह्मी घृत का उपयोग किया जाता है। थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।